तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लो। पे रूपी का एप्लीकेशन से हमें 10,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है और भाई साहब ये जो पैसे हैं मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपको भी लोन की रिक्वायरमेंट है तो आपने बहुत ही बेहतरीन वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पे रूपी का एप्लीकेशन से लोन लेना सिखाऊंगा। अब देखो, ये एप्लीकेशन आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बिहाफ पे लोन प्रोवाइड करता है, कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पे नहीं देना है। और पे रूपी का एप्लीकेशन के अंदर अगर आप यहाँ पे कुछ गलती करते हो तो डेफिनेटली आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तगड़े तगड़े 2-3 ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आपका आसानी से लोन अप्रूव हो जाए। तो चलिए बगैती को करते हैं साइड में और फटाफट से टॉपिक पे आते हैं और इस एप्लीकेशन से कैसे लोन अप्लाई करना है ये हम सीख लेते हैं। तो पे रूपी के एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए भाई साहब आप हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए और यहाँ पे मैं इस एप्लीकेशन का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ। अब देखो, पे रूपी के नाम पे ऐसे बहुत सारे फर्जी एप्लीकेशन भी आ चुके हैं मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल लिंक से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है सिंपली आप इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप 1,000 रुपए से लेके 20,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करनी होगी। तो सिंपली आप एग्री करेंगे और जो भी परमिशंस यहाँ पे आपसे मांगे जा रहे हैं सारे परमिशंस को यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अब देखो, जैसे ही सारे परमिशंस को अलाउ करते हो ऊपर ही आपको गेट माई लोन का ऑप्शन आ चुका है, सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे। पहले स्टेप के अंदर ही यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एक बार जैसे ही आप यहाँ पे नंबर डाल के नेक्स्ट करते हैं आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड की जाती है पे रूपी एप्लीकेशन के द्वारा। तो यहाँ पे आप अपना OTP वेरीफाई करेंगे और OTP वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे अब आपको इस एप्लीकेशन के लिए पासवर्ड सेट करना है। यहाँ पे हम इसे स्किप करेंगे, फिलहाल हम यहाँ पे कोई भी पासवर्ड यहाँ पे नहीं डालने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पे 4 स्टेप्स के अंदर ये जो लोन का पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि आपको लोन अप्लाई करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। मतलब यहाँ पे कोई भी इनकम प्रूफ यहाँ पे आपको नहीं देना है, सिंपली आप नीचे स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टार्ट करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, बोला जाता है कि आपको अपनी आधार कार्ड की फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो फ्रंट पे क्लिक करोगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे अपने आधार कार्ड की फ्रंट फोटो अपलोड कर देना और बैक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अपने आधार कार्ड की बैक फोटो अपलोड कर देना, सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट कर दोगे। अब देखिए, जैसे ही अपने आधार कार्ड की फोटोग्राफ्स यहाँ पे आप अपलोड कर देते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पे आपका आधार नंबर, आपका स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट आ चुका है, आपका एड्रेस भी यहाँ पे कम्प्लीट आ चुका है पिन कोड के साथ। तो एक बार आपको इसे अच्छे से वेरीफाई कर लेना है और दोबारा से आप नीचे नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो अब आपके आधार कार्ड से जो नंबर जुड़ा होता है उस पे आपको एक OTP सेंड किया जाता है। तो अपने आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को आपको चेक करना है OTP गया होगा, यहाँ पे आप OTP डालेंगे और एग्री एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी आधार कार्ड वेरीफाइड हो जाएगी। अब देखो, जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो अपनी आधार कार्ड को OTP के साथ वेरीफाई करने के बाद, तो यहाँ पे आपसे एडुकेशन के बारे में पूछता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई नहीं किया तो आपको ये एप्लीकेशन लोन नहीं देगा, बाकी आपने जहां तक पढ़ाई किया है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिटेल है आप यहाँ पे दे सकते हो। स्पोकन लैंग्वेज में आप किस भाषा में बात करते हो तो यहाँ पे हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिलीजन में आपका कौन सा धर्म है, यहाँ पे आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदू मुस्लिम आप जो भी होंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और वहीं नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, तो यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी होगा आप फिल करेंगे और नीचे नेक्स्ट वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सारा डिटेल यहाँ पे आप फिल कर देते हो, मैरिटल स्टेटस के अंदर भाई साहब आपको बताना है सिंगल हो या फिर मैरिड हो या फिर यहाँ पे बीवी से आके तंग होके तलाक ले चुके हो, जो भी होगा यहाँ पे अब अपना सिचुएशन बता देंगे। तो मैरिटल स्टेटस में आपको सिंगल अगर आप सेलेक्ट करते हो तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में भी आप 0 लिख देना, बाकी यहाँ पे अगर OU वगैरह से हुआ होगा तो आप डाल सकते हो। सिंपली यहाँ पे आप सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करोगे, जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो अब यहाँ पे आपको अपनी पैन कार्ड की फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, सिंपली यहाँ से आप नेक्स्ट करोगे, स्टार्ट पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप देख सकते हो फ्रंट साइड की पैन कार्ड की फोटो क्लिक करनी है, आप इस पे क्लिक करोगे। अगर आप चाहो तो कैमरा से यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आप फोटोग्राफ्स भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी पैन कार्ड की फोटो क्लिक कर लेंगे। अब देखिए, जैसे ही आप ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देते हो अगली स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में किसी की नंबर देनी होगी। अब बेसिकली होता क्या है, जब आप पे रूपी एप्लीकेशन का लोन लेके विजय माल्या बन जाते हो तो ये एप्लीकेशन जिसका भी आप कॉन्टेक्ट दोगे उसके ऊपर फोन करेंगे और यहाँ पे पैसे के लिए बताएंगे। तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप में पेरेंट्स या फिर कपल या फिर चाइल्ड या
फिर यहाँ पे और भी ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। आप किन्हीं का भी यहाँ पे नंबर दे सकते हो, सिंपली आप फोन पे क्लिक करोगे, आपकी गैलरी में जितने सारे नंबर होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। आप जिनका भी नंबर यहाँ पे देना चाहो यहाँ पे आप दे सकते हो। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको दो नंबर्स प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे। सिंपली आप सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका पूरा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो आप लोन अप्लाई करने के आखिरी स्टेप के अंदर पहुंच चुके हो, जहां पे आपको ये बताना है कि आपको ये जो लोन का पैसा है वो आपके किस बैंक अकाउंट के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे आपकी IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सब आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आप IFSC कोड ऊपर इंटर करेंगे, अकाउंट नंबर नीचे, और दोबारा से अपना अकाउंट नंबर नीचे वाला बॉक्स में इंटर करके और यहाँ पे आप इसे सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे कंप्लीट फिल कर दी है। अब हमारा जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमने डाला है सारा कुछ रिव्यू हो रहा है और इसके बाद हमें बताया जाएगा कि हमें कितना लोन अमाउंट यहाँ पे मिलेगा। तो हमारे डिटेल के हिसाब से यहाँ पे हमें लोन मिल चुका है। अब देखो भाई साहब, हमारी सिबिल अगर आपको बताए तो बिल्कुल लो है, मतलब जीरो सिबिल के अंदर हमें लोन अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम हमें 1500 रुपए का लोन अमाउंट प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो इस एप्लीकेशन में यहाँ पे लेवल अप लोन मिलता है, जैसे मान लो ये 1500 का लोन आप आज ले लेते हो तो यहाँ पे जब आप इसे रीपे करोगे तो आपको 4000 मिलेगा, फिर आप इसे रीपे करोगे तो 15000 यहाँ पे आपको लोन मिल जाएगा। ये करते करते आपको 20-25000 तक यहाँ पे आसानी से लोन मिलेगा, इससे ज्यादा आपको ये कंपनी लोन प्रोवाइड नहीं करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 रुपए का लोन हमें 14 दिन के लिए दिया जा रहा है। एक बार आप इसे अच्छे से देख लेना, अगर पॉकेट फ्रेंडली होगा तभी अप्लाई करना, मैं आपको जस्ट प्रोसेस बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम 14 दिन सेलेक्ट करते हैं, सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करते हैं। उससे पहले भाई साहब, अगर आप कोई भी लोन अप्लाई करते हो यहाँ पे आपको लोन का चार्जेस देखना बहुत ही जरूरी है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप के अंदर अगर आप 1500 रुपए का लोन लेते हो 14 दिन के लिए तो यहाँ पे आपको 1181 रुपए आपके अकाउंट में मिलते हैं और बाकी का पैसा 90 रुपए प्रोसेसिंग फी, 90 रुपए डॉक्यूमेंट फी, 90 रुपए टेक्नोलॉजी फी और 49 रुपए GST। मतलब भाई साहब 1500 रुपए के लोन में यहाँ पे ये एप्लीकेशन हमें करीब 300 प्लस अमाउंट यहाँ पे ये चार्जेस ले ले रहा है और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट 17 रुपए लगेगा। मतलब अगर आप 1500 रुपए का लोन 14 दिन के लिए लेते हो तो यहाँ पे आपको 1181 मिलेगा और 14 दिन के बाद आपको 1517 वापस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करीब आपको 14 दिन के अंदर 1500 रुपए के लोन अमाउंट पे 340 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ लेना, अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी है तभी आप लोन के लिए अप्लाई करो, वरना मेरे ख्याल से आप इसे छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे इसकी चार्जेस बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट फी, टेक्नोलॉजी फी, भाई साहब क्या मजाक चल रहा है, ये एप्लीकेशन आपसे इतना कुछ चार्जेस ले रही है। तो देख लो, अगर आपको पॉकेट फ्रेंडली लगे तो आप लोन के लिए अप्लाई करो। तो यहाँ पे आपसे नीचे ये पूछा जाता है कि आपको यहाँ पे लोन किस लिए चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, कोई आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करोगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपके सामने फोटोग्राफ्स के लिए बताया जाता है, टेक फोटो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको अपनी कुछ सेल्फी इस प्रकार से क्लिक करनी है और यहाँ पे आपको अपनी सेल्फी अपलोड कर देनी है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है और यहाँ पे हमारी जो लोन की प्रोसेस है वो अंडर रिव्यू में है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपने जो फॉर्म फिल किया है 24 घंटे के अंदर आपके ये फॉर्म को दोबारा से रीचेक करते हैं और अगर सब कुछ सही रहता है तो आपका जो लोन का प्रोसेस है वो आसानी से डिस्बर्सल हो जाता है, मतलब 24 घंटे के बाद ये जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाते हैं। तो भाई साहब, इस एप्लीकेशन से कैसे लोन अप्लाई करना है ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन आप लोन वाले भैया के सब्सक्राइबर हैं तो हम आपको इस वीडियो के जरिए गुमराह नहीं करेंगे। देख लीजिए, अगर आपको समझ में आए तभी लोन के लिए अप्लाई करिए, अगर आपको ज्यादा चार्जेस लग रहा है तो मार्केट में इससे भी बेहतर एप्लीकेशन है। ऐसा कुछ नहीं है ये एप्लीकेशन हमें पैसा दिया है तो हम प्रमोट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से चेक कर लेना, अगर आपको समझ में आए तभी लोन के लिए अप्लाई करना। हमारा काम है आपको नए नए लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने का। तो अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।